हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है इन द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें जो आवर हैंड है वो हमारी 6 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द बिटवीन 11:20 AM एंड 11:55 AM, यानी कि 11:20 से लेके 11:55 के बीच में जो उन्होंने एरिया कवर किया वो हमें बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आवर नहीं होगा, ये मिनट हैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 11:20 से लेके 11:55 तक, तो 11:20 जो मिनट हैंड होगी वो जो 20 हो रहे होंगे तो किस पे होगी, 4 पे होगी, और जो 55 पे पहुँच गई होगी तो वो किस पे होगी, 11 पे होगी। तो यानी कि इसके बीच में बनने वाला जो भी एरिया होगा, ये वाला, इसका एरिया हमें बताना होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा बन रहा है सेक्टर, ठीक। इस सेक्टर के अंदर बनने वाला जो एरिया होगा ये हमें फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें पहले ये एंगल मालूम होना चाहिए, और एंगल मालूम करने का तरीका देखो क्या होगा। सबसे पहले टाइम 11:20 AM से 11:55 AM, इनके बीच का जो टाइम है वो कितना होगा, 35 मिनट होगा, ठीक है। एंगल स्वेप्ट इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा। देखो पूरा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, और पूरा एक राउंड जो लगाती है मिनट हैंड वो होती है 60 मिनट का। तो मैंने एक मिनट का निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, कितना आया, 6, यानी कि एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यानी कि मैंने 35 मिनट इक्वल होगा 35 × 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 210 डिग्री, यानी ये बनने वाला जो एंगल है वो 210 डिग्री है। ये हमारा एक तरीके से सेक्टर बन चुका है। तो यहाँ निकालता हूँ मैं, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट, 35 मिनट में कितना एंगल बने, एरिया बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 210 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, मिनट हैंड की लंबाई कितनी दे रखे में, 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी होगी रेडियस, ठीक है। यहाँ पे 6 × 6 लगा लिया, इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6×6=36, 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, फिर बचा हमारा 21 × 22 अपॉन में 7, 7×3=21, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करेगा 35 मिनट के अंदर, क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बोला व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज एरिया 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमारे कोई दो सर्कल है, पहला सर्कल जिसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बोला इन दोनों जो सर्कल का एरिया है ना वो इक्वल किसी तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है, जिसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर दे देता हूँ। तो बताओ इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं C1, C2 एंड C3। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को मैंने नाम दिया कैपिटल आर, इसकी रेडियस जो कि R1 है 24 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R2, जो कि हमारी 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोला इनका एरिया दोनों के सम के इक्वल है, यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ C1, एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ C3 इनके इक्वल होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा C2 का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी आर कौन सी 1 वाली, पाई आर स्क्वायर आर कौन सी 2 वाली, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, दोनों में पाई कॉमन निकाला, R1 का स्क्वायर एंड R2 का स्क्वायर, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे रेडियस मैंने एज इट इज़ रहने दी, R1 कितनी है 24, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे R2 कितना हमारा 7, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया 576, 7 को 7 से किया 49, आर स्क्वायर दोनों को प्लस किया 625, स्क्वायर हटेगा ऊपर वाले पर रूट, कितना है 25 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। हमें क्या पूछा गया, डायमीटर, डायमीटर ऑलवेज रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस का डबल कर दो 25 × 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 50 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।